मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फोर्टीन नाइन्थ क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर फोरटीनथ स्टार्ट करेंगे आज इस वीडियो में बेटा हम कंप्लीट करेंगे अपना जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट स्टेटस्टिक्स का चैप्टर फोर्टीनथ का एन uh, सी की बुक का इंट्रोडक्शन पार्ट इंट्रोडक्शन में ये आपकी इंट्रोडक्शन गिवन है आपकी बुक में यहाँ से यहाँ तक ठीक है बेटा कलेक्शन ऑफ डाटा ये रिलेटेड है फोर्टीन पॉइंट वन एक्सरसाइज के साथ अभी हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट इंट्रोडक्शन में देखिए क्या है सबसे पहले तो जो स्टेटस्टिक्स का उसको हम और क्या कह सकते हैं डेटा भी बोल सकते हैं और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट जो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग है वो रिलेट करता है न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन से जब हम कोई भी डेटा इन द न्यूमेरिकल संख्या के फॉर्म में डेटा की फॉर्म में कलेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है स्टेटस्टिक्स हम अपनी डेली लाइफ में अपने सराउंडिंग में डे टू डे सारा दिन ही आ, आ, क्या देखते हैं डाटा देखते हैं ठीक है थीके? उसको ही स्टेटस्टिक्स बोला जाता है बेसिकली हम रूटीन में देखते हैं बट आपको ये नहीं पता कि उसको हम स्टेटस्टिक्स बोलते हैं जैसे कि एग्जांपल लेते हैं मान लो हम हमने कुछ परचेज करने के ग्रोसरी की शॉप पर अगर वो हमें कोई कैटा प्राइस लिस्ट दिखा दे वो भी एक स्टेटस्टिक्स होता है डाटा के फॉर्म में होता है ठीक है इस टाइप के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं प्राइस लिस्ट हो गया और कौन सी हो सकती है मार्क्स की लिस्ट है अपनी प्राइस लिस्ट है ठीक है या बोर्ड स्कोर बोर्ड है जहाँ से आप देख सकते हो कि आपकी स्कोरिंग क्या है मतलब जो क्रिकेट चल रहा है लाइव उसमें कितने स्कोर किए हैं ठीक है थीके? इंडिया टीम ने या पाकिस्तान टीम ने यह भी एक प्रकार से स्टेटस्टिक्स होता है ठीक है कोविड नाइन्टीन का डाटा भी दैट इज ऑल्सो नोन एज स्टेटिक्स देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स अस हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट डेफिनेशन क्या है स्टेटिस्टिक्स के स्टेटस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ठीक है ध्यान से देखना बेटा कलेक्शन प्रजेंटेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल और वी कैन ऑल्सो दैट क्वान्टिटेटिव डाटा क्वालिटेटिव नहीं क्वालिटी मतलब ये इंटेलिजेंट है नहीं स्किल्ड नॉन स्किल्ड वो नहीं लेने क्वान्टिटी लेने नूमेरिकल फॉर्म्स में फिर से देखते हैं स्टेटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन प्रजेंटेशन अनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ नूमेरिकल डाटा बाई क्रॉक्सटन एंड काउडन के अकॉर्डिंग गिवन है आप बेटा इसकी सीक्वेंस ऐसे ही लर्न करोगे देखो कलेक्शन सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा रो फॉर्म में होता है बेसिक ठीक है फिर उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं कलेक्टर ऑर्गेनाइज करने के बाद अब हम उसको प्रेजेंट करते हैं आपने देखा जो आपकी डेट शीट आती है टेबुलर फॉर्म में आती है टेबल्स की फॉर्म में आती है या जो आपका रिजल्ट तैयार किया जाता है वो भी ये ये नहीं कि फर्स्ट रोल नंबर का विदाउट कोई ऑर्गेनाइज वे में नहीं आता उसको भी टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके ही डाटा में रिप्रेजेंट किया जाता है यानी कि रिजल्ट हमारे आगे दिखाया जाता है ठीक है रिजल्ट तैयार करने के बाद बेटा ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या है अगर हमने सपोज ऑफ़ दैट नाइन्थ क्लास का रिज़ल्ट रेडी कर लिया उसी रिज़ल्ट के बेसिस पे हम जजमेंट कर सकते हैं कि क्या प्रोग्रेस है नाइन्थ क्लास की जैसे कि अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स कंप्लीट हुए हैं ठीक है उसका अगर हमने हाफ़ ईयरली का रिज़ल्ट रेडी करना है तो उस हाफ़ ईयरली की क्या प्रोग्रेस है नाइन्थ क्लास की उसी के बेसिस पे हम कुछ भी स्टेप्स ले सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में नाइन्थ क्लास वीक चल रही है तो हम उसी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे ये इंटरप्रिटेशन एनालिसिस यही है डाटा के बारे में कि ताकि सो दैट कि हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सके जैसे स्पोज ऑफ दैट साइंस में आप लग रहा है कि आपके मार्क्स नहीं अच्छे स्कोर करें नाइन्थ क्लास के साइंस सब्जेक्ट में तो हम थोड़ा सा साइंस पे प्रैक्टिकली लैब्स वगैरह में आपको है ना तो उस टाइप को क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ नमेरिकल डाटा ये तो थी जी डेफिनेशन मीनिंग क्या है इट इज़ द स्टडी ऑफ द कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रजेंटेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा सेम है वो बस किसी ऑथर के द्वारा है इकोनॉमिक्स के द्वारा है ठीक है स्टेटिस्टिशियन के द्वारा है किसी स्टेट स्टेटिस्टिशियन के द्वारा दी गई है ये हमारी एक जर्नल वे में डेफिनेशन है स्टेटिस्टिक्स की सिमिलर ही है इसकी सीक्वेंस बेटा आप ऐसे ही लर्न करोगे कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड लास्ट स्टेप होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा सो दैट कि हम कोई रिजल्ट कंक्लूड कर सके डाटा क्या डाटा होता है डाटा और रो डाटा जैसे मार्क्स लिस्ट हर सब्जेक्ट की टीचर क्या करेगी जो क्लास टीचर है उसको मार्क्स की एक लिस्ट रेडी करके दे देगी ठीक है सपोज मैथमेटिक्स वाली साइंस एस एस टी हर सब्जेक्ट टीचर उस क्लास इंचार्ज को रेडी करके दे देगा बट वो जो क्लास इंचार्ज है उसने जब पी टी एम होगी अपना रिजल्ट शो आउट तो क्लास इंचार्ज ने करना ना तो वो बेटा क्या करेगा उस रो डेटा को कलेक्टर हो गया ऑर्गेनाइज उसको प्रेजेंट करेगा किस वे में टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है ठीक है डायग्रामेटिकली या टैबुलर फॉर्म जो भी सूटेबल मेथड लगता है देर आर सो मैनी मेथड्स टू रिप्रेजेंट द डाटा ग्राफ्स हिस्टोग्राम्स बार डायग्राम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स फ्रिकुवेंसी पॉलीगोन्स ठीक है जी तो उसके बाद हम जब पेरेंट्स आएंगे उनको दिखाएंगे या हम खुद डिसाइड करेंगे कि किस में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए सो दैट कि फाइनल रिजल्ट्स अच्छे आउट हो सके स्टूडेंट्स के तो प्राइस लिस्ट ग्रोसरी शॉप में जाते हैं वो प्राइस लिस्ट दिखाता है ठीक है ये भी आपको पता है एटसेट्रा अब बेटा नेक्स्ट है जी सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा देखो यहाँ पे तो हमने एक क्लास की एग्जाम्पल लिया जस्ट मार्क्स रेडी करना ऐसे वन रिज़ल्ट या हाफ ईयरली रिजल्ट रेडी करना तो वो हमारे लिए रॉ डाटा है उसको प्रेजेंट कर देंगे प्रॉपर वे में वो हमारे लिए फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा ऐसे हम प्राइस लिस्ट के लिए कैटालाग वगैरह यूज़ कर सकते हैं अब ये डाटा कहाँ से कैसे कलेक्ट किया जाता है टू मेन सोर्सेज हैं डाटा को कलेक्ट करने की प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स प्राइमरी सोर्स का मीनिंग होता है ओरिजिनल डाटा जब हम खुद जाकर कलेक्ट करते हैं इसको प्राइमरी सोर्स को फर्स्ट हैंड डाटा भी बोला जाता है और सेकेंडरी डाटा होता है सेकेंड हैंड डाटा भी कहा जाता है इसको इसकी मेन जो डेफिनेशन है बेटा हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं प्राइमरी डाटा को डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर बाय हिज ओन पर्पज़ फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगनिंग टू एंड आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा दीज आर क्लेक्टेड फ्रॉम द ओरिजन देखो ओरिजन क्यों लिखा गया है यहाँ पर ओरिजिनल डाटा होता है जब क्लास टीचर्स ने लिस्ट पेपर चेक किए सब्जेक्ट टीचर ने उस रिज़ल्ट को कहीं पर भी उन्होंने लीक आउट नहीं किया को, किन के पास चला गया वो ओरिजिनल रिजल्ट जो क्लास टीचर है उसको दे दिया गया वो क्लास टीचर ही फाइनल रिजल्ट रेडी करेगी ठीक है ऐसी जो प्रॉफिट्स होते हैं जो कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं किसी को थोड़ी ना पता होता है कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी जो इंटरनल यूजर्स होते हैं यानी कि जो ओनर्स होते हैं उनके एंटरप्रन्योर्स होते हैं मालिक होता है ठीक है उन्हीं को ही पता होता है कि कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी जो है ये प्राइमरी डाटा की एग्जाम्पल्स हैं ठीक है थीके? मार्क्स हो गए ये हो गया इसको फर्स्ट हैंड डाटा भी बोला जाता है ऐसी बेटा सेकेंडरी डाटा क्या होता है देखो डाटा कलेक्टेड बाई अदर पर्सन आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा दिस डेटा आर कॉल्ड सेकेंड हैंड डाटा दिस डाटा आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड और अनपब्लिश ये पब्लिश्ड मीनिंग क्या होता पब्लिश्ड मतलब जो डाटा कभी ना कभी किसी ना किसी फॉम में कौन सी फॉम फ्लैक्स वर्ड्स न्यूज़पेपर टेलीविजन या न्यूज पेपर में ब्रोशर्स आते हैं पैम्फलेट्स आते हैं उसमें वो डाटा पब्लिश हो चुका है या अनपब्लिश्ड डाटा वो भी इसी कैटेगरी में आता है अनपब्लिश्ड डाटा क्यों यूज़ किया गया यहाँ पे ये यह ऐसा वर्ड क्योंकि कई बार आपने टीवी में न्यूज़ सुनी है गुप्त श्रोतों से गुप्त सूत्रों से पता चला है कि ऐसा वो कुछ लाइन यूज़ करते हैं इट मीन्स वो अनपब्लिश्ड डाटा है बट होता वो सेकेंडरी डाटा या अनपब्लिश्ड मतलब अब अभी तक किसी जर्नल्स में न्यूज़पेपर में मैगजीन में टेलीविज़न में कहीं पे भी वो डाटा लीकआउट नहीं हुआ बट उनको गुप्त रखा गया उस डेटा को पब्लिश नहीं हुआ बट गुप्त रखा गया ठीक है वो भी अनपब्लिश डाटा कहलाता है ये पब्लिश जो पब्लिश हो चुका है न्यूज़पेपर्स में आ चुका है इसको सेकेंड हैंड डाटा कहते हैं ठीक है बेटा ये तो जस्ट आपने प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी ये लर्न करना था अब जो मेन आपके चैप्टर से रिलेटेड ठीक है डाटा है किस फॉर्म में आएंगे क्वेश्चंस आपको जो फोर्टीन पॉइंट वन एक्सरसाइज है बेटा वो आपकी इस वे में चलेगी ठीक है फोर्टीन पॉइंट वन टू ठीक है फिर थ्री फोर फोरटीन पॉइंट वन टू थ्री ठीक है फोर्टीन पॉइंट फोर फोर इस वे में चलेगी ठीक है डायग्रामेटिक और प्रेजेंटेशन और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सबसे पहले देखिए फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जब हमने अभी बेटर अपनी डेफिनेशन डिस्कस करी थी उसमें डेफिनेशन में क्या लिखा गया था स्टेटिस्टिक्स डील्स विद कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रटेशन ऑफ डेटा हमने कलेक्ट कर लिया ऑर्गेन ऑर्गेन कलेक्शन कर ली ऑर्गेनाइज एनालिसिस एंड इंटरप्रटेशन ऑफ डाटा करना है अब हमने उस डाटे को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है उसको क्या बोलते हैं टैबुलर प्रजेंटेशन टैबुलर मतलब टेबल से ड्रीवन ड्राइवन है ये ठीक है टेबल टैबुलर टेबल्स की फॉर्म में और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी बेसिकली टेबल्स की फॉर्म में ही होता है बट ये पहले हमने सिलेक्ट करना होता है कि जो ऑब्जर्व करना होता है बेसिकली जो डाटा हमने कलेक्ट किया ना उस डाटे को बेटा देखना होता है ऑब्जर्व करना होता है क्या डाटा स्मॉल क्वांटिटी में है या लार्ज क्वांटिटी में है तो उसके लिए हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स के अंडर की कौन सा मेथड हम एडॉप्ट करें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट था टेक्सुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रजेंटेशन इसमें क्या था टेक्चुअल अगर हमने आपको बोल दिया है कि क्लास नाइन्थ का हर सब्जेक्ट का डाटा कलेक्ट करो किसके कितने मार्क्स हैं तो आपने पैराग्राफ फॉर्म में लिख के डाटा कलेक्ट करके दे दिया दैट इज़ नोन एज टेक्सुअल और डिस्क्रिप्टिव यानी कि पैराग्राफ फॉर्म में ये टैबुलर फॉर्म में ये बेटा जो बड़ा आजकल डे टू डे काफ़ी ठीक है न्यूज़पेपर्स में भी आपने देखा कोविड नाइन्टीन के क्या अप्स और डाउन्स चल रही हैं या फिर शेयर मार्केट में अपवर्ड डाउनवर्ड स्लोपवर्ड उसके डायग्राम्स वो इसी वे में डिपिक्ट किया जाता है जो डाटा होता है ठीक है कोविड नाइन्टीन के, के केसेस में क्या उसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं और कंट्रीज के साथ या ईयर्स के साथ ठीक है कि लास्ट ईयर में जैसे सेंसेस ऑफ इंडिया सेंसिस ऑफ इंडिया कहते हैं जनगणना करना अपने इंडिया की जनगणना करना तो इस वे में अगर हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लास्ट ईयर्स के साथ उस डाटा को कंपैरिजन कर सकते हैं तो ईजली डिपिक्टेबल होता है मतलब हर कोई ईजी इजी वे में रीड कर सकता है क्योंकि वे कलरफुल डायग्राम्स होते हैं इसमें ठीक है जी ये तो था अपना फॉर्म्स ऑफ प्रजेंटेशन ऑफ डाटा नेक्स्ट है जी जो हमने बेटा करना है नेक्स्ट है अपना मयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे भी आप देखिए कलेक्शन ऑफ डाटा है नेक्स्ट है बेटा आपका प्रजेंटेशन ऑफ डाटा ठीक है जी प्रजेंटेशन ऑफ डाटा है और जो आपका ग्राफिकल है बेटा ये ग्राफिकल ग्राफिकल प्रजेंटेशन रीप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बार हिस्टोग्राम्स एंड फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन्स और लास्ट टॉपिक जो आपका इस स्टेटिस्टिक्स चैप्टर का है वो है मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मेन मीडियन मोड के थ्रू भी हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये, इस ये इसमें क्या होता है कि एक सिंगल वैल्यू फाइंड आउट कर ली जाती है जो कि होल डाटा को रिप्रेजेंट करती है इसमें मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ठीक है वापिस हम अपने टॉपिक पर आते हैं बेटा ठीक है जी मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखिए क्या होती है इन प्रीवियस वी रिप्रजेंटेड द डाटा इन वेरियस फॉर्म्स एज लाइक फ्रिकुंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बार ग्राफ्स हिस्टोग्राम्स फ्रिक्वेंसी पॉलिकन मीनिंग क्या है अब इसका मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्यों नेसेसिटी फील हुई कि जबकि हमारे पास ये सारे मेथड्स थे डाटा को रिप्रेजेंट करने के तो इसकी क्यों नेसेसिटी फील हुई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी ऑल द डाटा देखो जब हम डाटा को कंसिडर करते हैं ना डाटा लार्ज क्वांटिटी में होता है तो ये कई बार पॉसिबल नहीं होता कि पूरे के पूरे डाटा की स्टडी की जाए यहाँ पे देखिए बेटा एग्जांपल वन में देखो ठीक है चलो यहाँ तो कम क्वांटिटी में टेन स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है एग्जांपल टू में थर्टी स्टूडेंट्स का है एग्जांपल थ्री में देखिए वन हंड्रेड स्कूल्स के प्लांट्स का डाटा दिखाया गया तो कई बार क्या होता है कि हम हर एक सिंगल आइटम की स्टडी नहीं कर सकते तो दिस इज़ द रीज़न कि मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की ओरिजिनेशन हुई ठीक है इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टडी ऑल द डाटा सो कंसीडर द क्रिटिकल वैल्यू मतलब एक सिंगल वैल्यू फाइंड आउट कर ली जाती है इसमें जो क्या करती है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू का मतलब जो होल डाटे को रिप्रेजेंट करती है वो सिंगल वैल्यू ही विच रिप्रेजेंट्स ऑल द आइटम्स इन अ सीरीज दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज वैल्यू